प्यारे नौजवानों, आज हम आपको भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारे देश के अंदर व्याप्त है, बल्कि हमारे देश के अंदर ही नहीं अपितु सभी देशों के अंदर कुछ ना कुछ फैला ही हुआ है। कोई भी भ्रष्टाचार क्यों अपनाता है? सबसे पहले इन कारणों को महत्व देना बहुत जरूरी है। हम अपना कार्य ईमानदारी से क्यों नहीं कर सकते? अपना कार्य जब ईमानदारी से होता है तो फिर भ्रष्टाचार अपनाने की आवश्यकता क्यों है? भ्रष्टाचार क्यों फैलता है, इस विषय पर कुछ विचार देने जा रहा हूं। सबसे पहले अपना कार्य स्वयं ना कर पाना। हम अपना कार्य दूसरों से करवाना चाहते हैं और जल्दी जल्दी करवाना चाहते हैं, इस वजह से उसे कुछ पैसे दे करके, उसे किसी चीज का लोभ दे करके वह अपना कार्य निकलवा लेते हैं। दूसरा, हम वो कार्य को बिना अनुभव के करवाना चाहते हैं। हमारे अंदर उस चीज का कोई अनुभव नहीं है। अब जैसे घर के अंदर बिजली की जरूरत है, बिजली हमारी आवश्यकता है, और घर के अंदर मीटर नहीं लगा हुआ। जब तक मीटर नहीं लगेगा तो बिजली प्राप्त नहीं होगी, और हमें खुद भी अनुभव नहीं है कि मीटर कैसे लगाया जाए और कौन कौन से फार्म हैं जो हमें भरने जाएंगे बिजली बोर्ड में जाकर। तो हम कहते हैं ये सारी देर सिरदर्दी हमें नहीं करनी है, हम एक फोन घुमाते हैं और जानकारी रखने वाले आदमी को कहते हैं कि हमें मीटर लगवा दो, उसे कुछ पैसे दे देते हैं। पैसे देने का मतलब है उसे रिश्वत देना। तो वो मनुष्य भी जिसने वो पैसे लिए हैं वो भी इसी प्रकार आगे आगे कार्य करता रहता है। तो हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी भ्रष्टाचार करते हैं। यदि मीटर आज नहीं लगता तो कल लग जाता, परसों लग जाता, लेकिन बिना भ्रष्टाचार के वो मीटर हमारे घर के अंदर लग सकता था, लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं किया। इस प्रकार नौजवानों में परीक्षा की बात आती है। परीक्षाएं जब शुरू होती हैं तब कई विद्यार्थी टीचरों को पैसा चढ़ाते हैं कि उस पेपर के में जो प्रश्न है वो हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि उनके अंदर कुछ योग्यता तो होती नहीं। तो टीचरों को या वहां पर ड्यूटी देने वालों को कुछ पैसे दे करके हम वो परीक्षाएं देने में सफल हो जाते हैं। यदि अंक भी उसमें ज्यादा आ जाएं, तो उस चीज का क्या लाभ है यदि हमारे अंदर उस चीज की कुछ योग्यता ही नहीं है। हम अपनी योग्यता स्वयं खो देने में माहिर हो जाते हैं। एक ही कारण है
कि हमारे अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बीज हमारे अंदर है, उसको जड़ से निकाल देंगे तो भ्रष्टाचार स्वयं समाप्त हो जाएगा। यदि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, जैसे बस के अंदर सफर करते हुए टिकट कलेक्टर कहता है, कंडक्टर कहता है जी मेरे पास 1 रुपए नहीं है, इस वजह से आप एक टॉफी खा लो, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे टॉफी खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे 1 रुपए चाहिए। तो कंडक्टर कहता है मेरे पास खुला नहीं है, तो यात्री बेचारा परेशान होता है, कहता है चलो टॉफी दे दो। अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा हमने दिया, यदि हम स्वयं 1-2 रुपया जेब के अंदर खुला रखते तो ना उसको बढ़ावा मिलता और ना हम उसे बढ़ावा दे पाते। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना भी भ्रष्टाचार फैलाना ही है। यदि किसी कार्य को हम रोक नहीं सकते, यदि हम किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है, तो उसे बढ़ावा देना भी भ्रष्टाचार फैलाना जैसा ही है। इस प्रकार कई और बातें हैं जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। अयोग्य आदमी को यदि नौकरी मिल जाए, अयोग्य आदमी नेता बन जाए, अयोग्य आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, अयोग्य आदमी राष्ट्रपति बन जाए, तो वो भ्रष्टाचार फैलाते ही हैं। योग्य व्यक्ति कभी भ्रष्टता की तरफ नहीं देखता। योग्य व्यक्ति वही होता है जो ईमानदार होता है, योग्य व्यक्ति वही होता है जो मेहनती होता है, योग्य व्यक्ति वही होता है जो समय का पालन करता है, योग्य व्यक्ति वही होता है जो सदाचार अपनाता है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि रास्ते बहुत हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के, बस उस पर पथ पर चलने की जरूरत है। इति ओम शांति।